हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का लेक्चर 13 है। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे या ड्राइव करेंगे इन कंडक्टिंग मीडियम एंड नॉन कंडक्टिव मीडियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज गिवन बाय v इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट mu epsilon। Write down Maxwell equation in conducting medium and using these equations, drive an equation for both electric and magnetic field. Write the electromagnetic wave equation for the Maxwell field equation in non-conducting medium. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग मीडियम के लिए हम ड्राइव करते हैं और आपको क्या करना है इसके लिए, हम क्या करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे। सिंपल, पहले हम क्या करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस लिखेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हैं, डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो, कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। फिर हम कंडक्टिंग मीडियम की कंडीशंस लिखेंगे। कंडक्टिंग मीडियम की क्या कंडीशन है कि वॉल्यूम जो चार्ज डेंसिटी है वहां पे फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं रहते, वॉल्यूम में जीरो होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, कंडक्टिंग मीडियम में सरफेस पे चार्ज होते हैं तो जो सिग्मा है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। जब सिग्मा नॉट इक्वल टू जीरो है तो जे जो करंट डेंसिटी है वो भी जीरो नहीं होगी, तो वो होगी सिग्मा ई, इस पे आप वेक्टर साइन बना लीजिएगा। डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ कंडक्टिंग मीडियम। बी इक्वल टू म्यू एच, म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मीडियम। इन्हीं कंडीशन को अगर नॉन कंडक्टिंग की बनाएंगे तो जे भी जीरो हो जाएगा और ये सिग्मा भी जीरो हो जाएगा, फिर उस अकॉर्डिंग हम ड्राइव कर लेंगे। तो मेथड सेम है, जैसा फ्री स्पेस में था वैसे ही कंडक्टिंग मीडियम में करना है और वैसा ही नॉन कंडक्टिंग में करना है। नॉन कंडक्टिंग में हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इन कंडीशंस को रख के जैसे अभी ड्राइव कर रहे हैं सेम उसी तरीके से हम मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव करेंगे, दूसरा इस इक्वेशन को ड्राइव होने दीजिए फिर बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस रो की जगह जीरो रख देंगे और डी की जगह एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा तो डाइवर्जेंस ई इक्वल टू जीरो बन जाएगा। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में हमने बी की जगह म्यू एच रखा और म्यू चेंज हो जाएगा तो डाइवर्जेंस एच इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कर्ल ई इक्वल टू यहाँ पे बी की जगह म्यू एच रख देंगे थर्ड वाले में तो ये माइनस म्यू डेल एच ओवर डेल टी हो जाएगा। और फोर्थ इक्वेशन में जे की जगह तो सिग्मा ई रखेंगे और डी की जगह एप्सिलॉन ई रखेंगे तो ये सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी हो जाएगा। तो कैसे इक्वेशंस हो जाएंगी, रखिए इन्हें। तो अब मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर कंडक्टिव मीडियम बिकम्स डाइवर्जेंस ई इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस एच इक्वल टू जीरो, कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल एच ओवर डेल टी, कर्ल एच इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। तो अब ये चारों मैक्सवेल इक्वेशंस आ गई हैं कंडक्टिंग मीडियम में। तो हमारा मेथड सेम यही है, अगर इक्वेशन सेवन का कर्ल लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ई की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अगर इक्वेशन एट का कर्ल लेते हैं, फिर से एक बार कर्ल एच है, कर्ल एच को फिर कर्ल लेते हैं तो एच की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो हम एक मेथड सॉल्व करके दिखाएंगे, ई वाला सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सेवन का कर्ल लेके दिखा रहे हैं, इक्वेशन एट को आप फिर उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन सेवन एंड एट। तो पहले मैं सेवन का लेके दिखा रही हूँ कर्ल, फिर आप एट का लीजिएगा। तो कर्ल ई इक्वल टू, टेकिंग कर्ल ऑफ द इक्वेशन सेवन, कर्ल कर्ल ई इक्वल टू कर्ल माइनस म्यू डेल एच ओवर डेल टी, माइनस म्यू बाहर हो जाएगा तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, कर्ल डेल एच ओवर डेल टी, और कर्ल डेल एच ओवर डेल टी, कर्ल भी ऑपरेटर है, डेल ओवर डेल टी भी ऑपरेटर है, तो इन दोनों ऑपरेटर को आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, माइनस म्यू डेल ओवर डेल टी कर्ल एच। ठीक है, और कर्ल कर्ल ई की वैल्यू जो है हम वेक्टर आइडेंटिटी से रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में करते हैं, कर्ल कर्ल ई इक्वल टू कर्ल माइनस म्यू डेल एच ओवर डेल टी। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बाहर लिया है, माइनस म्यू डेल टी ओवर कर्ल एच, ऑपरेटर इंटरचेंज कर दिए।
अब कर्ल कर्ल ई की वैल्यू वेक्टर आइडेंटिटी से रख लिया, वेक्टर आइडेंटिटी से होता है ये ग्रेड डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वायर ई, और कर्ल एच की वैल्यू इक्वेशन 8 से रख दिया। ठीक है, तो इक्वेशन 8 से तो कर्ल एच का वैल्यू रख दिया जो क्या था सिग्मा ई प्लस डेल एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी, और कर्ल कर्ल ई की वैल्यू इक्वेशन यहां से रख दिया। ठीक है, तो रखिए तो ग्रेड डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वेयर ई इक्वल टू माइनस म्यू डेल ओवर डेल टी सिग्मा ई प्लस सिग्मा एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। ठीक है, तो इक्वेशन 5 से क्या कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ई की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं, और ये म्यू एप्सिलॉन डेल ओवर म्यू माइनस म्यू डेल ई ओवर डेल टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये ग्रेड डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वेयर ई इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा डेल ई ओवर डेल टी माइनस म्यू सिग्मा एप्सिलॉन डेल स्क्वेयर ई ओवर डेल टी स्क्वेयर, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी इक्वेशन 5 से, तो माइनस दोनों साफ से कैंसिल होके ये टर्म फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो इक्वेशंस बिकम डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई ओवर डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इक्वेशन 11। जैसा हमने ये इक्वेशन 11 किया है, हमने इक्वेशन 7 का कर्ल लिया था, ऐसे ही आप इक्वेशन 8 का कर्ल लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एच का इक्वेशन आ जाएगा डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू सिग्मा डेल एच ओवर डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इक्वेशन 4। और ये इक्वेशन 11 और 12 जो है कंडक्टिंग मीडियम में डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की। अब एक चीज और है, यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को नॉन कंडक्टिंग मीडियम बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ मैं, बाकी कैसे ड्राइव करते हैं अभी आगे स्लाइड में देखेंगे, आगे देखेंगे वीडियो में। नॉन कंडक्टिंग मीडियम में क्या होता है आपको पता है, वहां पे एप्सिलॉन और म्यू से ही डिनोट करते हैं परमिटिविटी और परमेबिलिटी, बट वहां पे सिग्मा जीरो होता है। नॉन कंडक्टिंग मीडियम में सरफेस चार्ज डेंसिटी, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जीरो होती है, तो इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू जीरो रख दीजिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ऐसे ही एच का हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की नॉन कंडक्टिंग में बन के आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे हम इसको क्या करते हैं, नॉन कंडक्टिंग के लिए और ड्राइव करते हैं। तो देख लेते हैं, इक्वेशन 11 एंड 12 आर कॉल्ड वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन होमोजेनियस लीनियर कंडक्टिंग मीडियम। नॉन कंडक्टिंग का मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, नॉन कंडक्टिंग को बस मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस लिखेंगे, चारों मैक्सवेल इक्वेशंस, फिर नॉन कंडक्टिंग की कंडीशंस लिखेंगे। रो इक्वल टू जीरो है, सिग्मा इक्वल टू जीरो है, जे इक्वल टू भी जीरो होगा, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई और बी इक्वल टू म्यू एच होगा। ठीक है, इन वैल्यूज को मैक्सवेल इक्वेशन में पुट करिए, जैसे ही मैक्सवेल इक्वेशन में पुट करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशंस हो जाएंगे, डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस एच इक्वल टू जीरो, कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल म्यू डेल एच ओवर डेल टी, कर्ल एच इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। फिर सेम इक्वेशन 7 का कर्ल लेंगे, इक्वेशन 7 का कर्ल लेने के लिए ऑपरेटर्स को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने के बाद कर्ल एच की वैल्यू इक्वेशन 8 से पुट कर देंगे, और एच के लिए इक्वेशन 8 का कर्ल लेंगे और कर्ल ई की वैल्यू इक्वेशन 7 से पुट कर देंगे, और वेक्टर आइडेंटिटी का यूज करते हुए वैल्यूज पुट कर देंगे कर्ल कर्ल ई की, ग्रेड डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वायर ई, और जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो डाइवर्जेंस ई की वैल्यू इक्वेशन 5 से 0 रख देंगे। ठीक है, और आप जो इक्वेशंस बन के आएंगी सेम जो अभी बताई थी मैंने, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल ई स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ऐसे ही एच का हो जाएगा। इन इक्वेशंस को सिंपल जनरल वेव इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, वेव इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद आपकी वी
की वैल्यू आ जाएगी और वी की वैल्यू क्या आएगी, वी की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन म्यू ई और वी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू ई विच इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लाइट की वेव वेलोसिटी है नॉन कंडक्टिंग मीडियम। यहाँ ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सब चीज़ों के लिए, आपका वीडियो को लाइक करने के लिए भी, शेयर करने के लिए भी और सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, और उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने शेयर नहीं किया अब तक किसी को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लेंगे, प्लीज़ शेयर करिए, यही मोटिवेशन है मेरा। अदरवाइज मन भी नहीं करेगा फिर मेरा वीडियोस बनाने का, ठीक है? तो आप शेयर करिए और आप शेयर करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियोस बनाती रहूँ और अपलोड करती रहूँ चैनल पे, ठीक है? तो आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।